नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। जैसे जैसे हम लोग सफर करते हैं, वैसे ही हम लोग अपने खान पान के प्रतिदिन के भोजन एवं खाने के पदार्थ से दूर होते जाते हैं और सफर में घर जैसे भोजन या नाश्ते की तलाश में इधर उधर नजरें टिकाए रहती हैं। और जैसे ही हमें लक्ष्य प्राप्त होता है, वैसे ही हम भोजन एवं नाश्ते संबंधित चीजों को ग्रहण करते हैं। यदि ऐसे में आपसे एक प्रश्न मैं पूछूं कि क्या खान पान संबंधित चीजों में सफाई एवं शुद्धता को आप जांचते हैं, तो इसका उत्तर है नहीं। देश में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो बाहरी एवं सफर में मिलने वाली खान पान संबंधित चीजों को जांचते होंगे, क्योंकि ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि बिना देखे जांचे आप भूख और स्वाद की आस में खान पान संबंधित चीजों को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे में हमारे शरीर में बीमारियों का अंबार लगने लगता है और इन्हीं सभी कारणों की वजह से हमें एक दिन इन्हीं सभी से दूर रहने की सलाह मिलती है। वैसे बात की जाए शुद्धता की, तो शुद्धता से खान पान संबंधित चीजों को देने वाले भोजनालय या फिर रेस्टोरेंट भी उपलब्ध हैं, जो शुद्धता एवं हर चीज का बहुत ही ध्यान रखते हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि हम ऐसे भोजनालय या रेस्टोरेंट को पहचानेंगे कैसे। चलिए आज ऐसे ही एक मामले से आपको हम वाकिफ करवाते हैं, जहां चाय में जहर परोसा जा रहा है। गौरतलब है कि हमारे कानपुर के जाजमो स्थित ईरानी चाय रेस्टोरेंट का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें चाय में मकड़ी निकली है। जी हां, ऐसे में मिलने वाली सुविधाओं पर प्रश्न लगता है कि इससे होने वाले खतरों की जिम्मेदारी कौन लेगा। यदि इस चाय से होने वाले दुष्प्रभाव व्यक्ति को प्रभावित करेंगे, तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा या खुद वो व्यक्ति जो खा रहा है या उपलब्ध करवाने वाला भोजनालय या रेस्टोरेंट का मालिक। जानकारी ये भी प्राप्त हुई है कि चाय में मकड़ी निकलने के विरोध में ग्राहक द्वारा जब प्रश्न किए गए, तो आरोप के मुताबिक नतीजा गुंडागर्दी में परिवर्तित हो गया।